अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल प्रोग्रामर। आज के हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ लेक्चर नंबर 18 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग मर्ज सॉर्ट किस तरह से करते हैं। जिस तरह हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास क्विक सॉर्ट क्या होती है, तो सेम एज इट हम लोग जो है मर्ज सॉर्ट को करेंगे। मर्ज से मुराद आप लोग ने कई बार जो है एक्सेल यूज किया होगा, वर्ड यूज किया होगा, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ टेबल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उनको हम लोग जो है मर्ज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सी होता है, दो कॉलम्स होते हैं हमारे पास, दो ब्लॉक्स होते हैं, इनको हम लोग जो मर्ज कर देते हैं, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक ही ब्लॉक बन जाता है। यानी कि दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर देना और उनको तोड़ देना। सेम एज इट जो है हम लोग इसको मर्ज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मर्ज करने की टेक्निक होती है, यानी कि सब डिवाइड में हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट में हमारे पास जो है मर्ज सॉर्ट को हम लोग कर देंगे। किस तरह से करेंगे, हम लोग हमारे पास ये एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हमारे पास 8 है। तो हम लोग जो 8 है, जब हम लोग 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। यानी कि 4 जो हमारे पास जो है सब इसके जो एरे बन जाएंगे, सब एलिमेंट्स बन जाएंगे। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8, 7, 9, 1 हमारे पास ये आ जाएगा और इसका हमारे पास आ जाएगा 4, 2, 5 और 3। हमारे पास अब ये क्या बन गया, दो इसी के पार्ट बन गए, जो हमारे पास एक सॉर्टेड एलिमेंट एरे दिया हुआ उसके हमारे पास सब एरे बन गए। अब फर्दर हम लोगों ने क्या करना है, 1, 2, 3, 4 हमारे पास ये 4 है, 4 को जब हम लोग 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2। यानी कि हमारे पास अब 2, 2 के पेयर बन जाएंगे। हम लोगों ने अंटिल पेयर बनाने के, जब तक हमारे पास जो है अलग अलग ना हो जाए, हम लोगों ने तब तक बनाने जब तक ये अलग अलग ना हो जाए। सेम एज इट इसके अंदर भी हम लोग करेंगे 3, 5, 2, 4। हमारे पास हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको जो है सेपरेट अलग अलग कर देंगे। 7 एक हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास जो है यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पर जो है 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है 3 आ जाएगा। अब क्या किया हम लोगों ने, मर्ज के अंदर जो है सबको एक एक हम लोगों ने एक एक एलिमेंट में जो है सेट कर दिया। अब सेकेंड ऑप्शन पर हम लोग क्या करेंगे, अब जब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, यानी कि वैल्यू वापस जाएंगे, तो वो वैल्यू जब सॉर्टेड होंगी, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे, हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो इनकी जो वैल्यू सेट हो जाएगी। ऑलरेडी सॉर्टेड है, 3 पहले आता, 5 बाद में आता है, तो हमारे पास ये सेट है। उसके बाद हम लोग जो है इन दोनों को मैच करेंगे, यानी कि 2 और 4 को मैच करेंगे। जो पहले आता है वो हम लोग लिखेंगे, ये भी ऑलरेडी हमारे पास जो है वो सॉर्टेड है, तो हम लोग इसको भी लिख देंगे क्योंकि 2 पहले आता है, 4 बाद में आता है। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे 1 और 9 को चेक करेंगे, तो ये भी हमारे पास जो है एक्यूरेट है, यानी कि पहले 9 आता है फिर हमारे पास, सॉरी पहले 1 आता है फिर बाद में हमारे पास 9 आता है, यानी कि ये हमारे पास सॉर्टेड है। आफ्टर दैट सेम एज इट ये भी हमारे पास सॉर्टेड है, पहले 7 आता है फिर हमारे पास जो है वो 8 आता है। उसके बाद हमारे पास जब कंडीशन आ जाती है इस जगह पे, यानी कि अब इन दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे 2, 2 के पेयर को मर्ज करेंगे तो हमारे पास 4 का पेयर बन जाएगा। इसको जब मर्ज करेंगे तो हम लोग इसकी तरतीब को सेट कर देंगे, यानी कि पहले हमारे पास आ जाएगा 3, 5, 2, 4, ये ऑलरेडी हमारे पास अनसॉर्टेड थे, इसको हम लोग जो रिमूव कर देंगे, सब के सब यहाँ पर हम लोग एलिमेंट को रिमूव कर देंगे जो भी हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं। हम लोग यहाँ से वैल्यू सबसे पहले पिक करेंगे जो स्मॉलेस्ट होगी, कौन सी होगी, 2 वाली, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद हमारे पास 3, 4 और 5, ये दोनों ने मर्ज किया, इसको सॉर्टेड बना दिया। सेम एज इट इसमें भी हम लोग जो इसको रिमूव करेंगे, पहले तो हमारे पास ये रिमूव हो गया, उसके बाद हम लोग इसको सॉर्टेड करेंगे। सॉर्टेड में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1, फिर हमारे पास आएगा 7, फिर हमारे पास आएगा 8, फिर हमारे पास आएगा 9। मान लो हम लोग जो इसको सॉर्टेड करते हुए बना रहे हैं। अब हमारे पास ये जो सब डिवाइड, हमारे पास जो सब आ रहे हैं और ये हमारे पास जो सब आ रहे हैं, अब ये हमारे पास क्या है, ये सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है। अब इसी को हम लोग जो है जब कंपेयर करेंगे, हमारे पास जब ऊपर आंसर आएगा तो ये क्या होगा कि जिस तरह हम लोगों ने 1 बाय 1 को सेट करके ऊपर वैल्यू सेट की थी, सेम एज इट इसको भी हम लोग जो है वो सेट करेंगे।
तो उसको सेट करने से पहले हम लोग जिसके अंदर वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है उनको हम लोग जो है वो रिमूव कर देंगे। हम लोग सारी वैल्यू को हम लोगों ने जो है इसको रिमूव कर दिया। अब क्या होगा कि जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी वो पहले आएगी। कौन है हमारे पास यहाँ पर सबसे वैल्यू वाली, कौन सी है? वन। फिर हमारे पास टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स नहीं है, सेवन है, एट है, और उसके बाद हमारे पास जो है नाइन। तो हमारे पास जो वैल्यू जो है सारी की सारी मर्ज सॉर्ट के थ्रू हमारे पास क्या होगी, ये सॉर्टेड होगी। अब बात आती है कि आप लोग पेपर्स के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं, या क्वेश्चन के आप लोगों ने शीट पर लिखना हो किस तरह से लिख सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पर पहुंच जाए ना इस कंडीशन में, तो पहुंच जाए जब आप लोग, तब आप लोग ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आप लोग एरो लगा सकते हैं, समझने के लिए अपने नीचे की तरफ आप लोग एरो लगा सकते हैं। लगाने के बाद थ्री और फाइव कर सकते हैं, इसको भी आप लोग जो है इस तरफ लगा सकते हैं नीचे, यानी कि हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा टू फोर, इसको मैं करूँ मेरे पास ये भी वन नाइन और सेवन एट। ये जिस मेथड बता रहा हूँ आपको मैं, आप अपने जो नोटबुक के ऊपर या पेपर के अंदर आप लोग किस तरह से को सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया, उसके बाद इसको जो है आप लोग इस तरह से नीचे कर ले, यानी कि ऊपर से अनसॉर्टेड आएगी। जब एक एक एलिमेंट हो जाएंगे, अंटिल एक एक एलिमेंट हो जाएंगे, उसके बाद जब डाउन में जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वो सॉर्टेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड द रिजल्ट क्या होगा आपके पास, ये जो सारे वेरिएबल सॉर्ट हमारे पास जो लिखे हुए वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज वो सॉर्टेड हो जाएंगी। इस तरह से आप लोग जो अपने क्वेश्चन के अंदर जो है पेपर के अंदर आप लोग इजिली इन चीजों को जो है वो लिख सकते हैं। काफी सिंपल है मर्ज सॉर्ट, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एनालिटिकल सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इसके एल्गोरिथम, इसकी वर्किंग भी सेम एज यही होती है, सेम एज इट वर्किंग उसी चीज को कहते हैं, उसका एल्गोरिथम वही होता है, यानी कि एक चीज वो काम कैसे कर रही है उसके कुछ स्टेप्स लिखते हैं उसे कैसे काम करनी, इसी को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, इसी को हम लोग वर्किंग बोलते हैं। मजीद आप लोगों ने एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि वर्किंग क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होती है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने अच्छे से कवर अप कर ली। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।